हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। और भाई पीला पीला दिख रहा होगा तुम्हें, क्या पहन रखा मैंने? पीला पीला। तो भाई अभी जस्ट मैं नहाया था काफ़ी टाइम बाद। कपड़े कपड़े तो मैंने कल ही धुल देते। ये मैंने अभी धुला, ये वर्सिटी जैकेट है ना भाई, इसमें ये देखो ये लग गया था। तो भाई ये मैंने वर्सिटी जैकेट, इसको ना अभी कभी भी किसी के पास आया तो भाई इसको धुलते नहीं है। इसको पता क्या करते हैं, हल्का गर्म पानी लेना है और थोड़ा उसमें साबुन, उसी कपड़े जो कपड़ा लोगे ना, पहले एक कपड़ा लेना है गर्म पानी में डुबाना उसको, और उस पर साबुन लगा के यार ऐसे ऐसे करना, बस रफ करके बाद में साफ कपड़े से साफ करके पूरा हो जाएगा। ब्रश मत लगाना कभी भी भाई, ख़राब हो जाता है। तो अभी अभी जस्ट मेरा नाश्ता है। कहाँ मम्मी? अरे इधर दो यार। तो नाश्ता करने का टाइम है। चलो कोई नहीं, इधर ही कर लेते नाश्ता। देखो धूप भी यहाँ से सीधा यहाँ आती पड़ती है, और नाश्ता ये रहा। तो नाश्ता करके मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन बनता है आज का, और जो भी सीन बनेगा आपको बता देंगे। ये लगाते हैं डलकम पाउडर, सॉरी क्या नाम है इसका, पॉन्ड्स पाउडर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में ऐसे। सो गाइस अभी जस्ट फिर से तैयार हो गया, और वही शर्ट, क्योंकि मेरे को भाई बहुत अच्छा लग रहा है ये शर्ट। और नीचे से पैंट पहनी है, नीचे से वाइट जूते। भाई पैंट मैंने अभी कल धुली थी और अभी पहनी, यहाँ देखो कैसे और क्या। तो अभी ना मम्मी ने मेरे को ऊन लेने भेजा का बाहर साइड, तो देखते हैं कहाँ पे मिलेगी ऊन वगैरह। और बच्चों के साथ खेल रहा था अभी, वाइट शर्ट मतलब ब्लैक शर्ट पहनता, और अब भाई अब वो गंदा हो गया मेरा, तो मैंने वाला शर्ट भी पहन लिया। तो निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं भाई आपको। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घंटाघर। मम्मी ने जो ऊन लेने भेजा था, तो वो भाई पास वाली दुकान था, उससे दुकान ना कहीं मिल रही थी, तो हमने चले गए घंटाघर। और आठ बजे आठ बजे से मैं वहीं दिखाऊंगा घंटाघर पे। तो चलते हैं धीरे धीरे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई है वो भाई। सो गाइस यहाँ दिवाली का स्टॉक पूरा लग चुका है, देख सकते हो दिवाली के लिए कितनी भयंकर तैयारी चल रही है। और बाकी भाई पूरा बजरंग वाला हो रखा, बजरंग दल वाला भगवा हो रखा, पूरा भगवा रंग फैला रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई देखो। और ये किसी को अगर ले जाना है घर के लिए सजावट के लिए, तो ये लड़का बेच रहा है इधर। और बाकी यहाँ पे लड़कियों हाई क्वालिटी कौन सा दिलाऊं तो देख सकते हो काफ़ी रश भी है इधर वाला भाई साहब, मतलब काफी अच्छा बन गया है भाई पल्टन उस हिसाब से, काफी अच्छे से, क्या बोलना, बहुत अच्छा। मैं तो कब से आ रहा हूँ यार, कितना महीने हो गए मुझे, एक दो महीने तो हो गए होंगे। ये तो पहले तो मैं इधर ही रहता था पड़ा हुआ, तो मफलर भी लूंगा, एक सब कुछ लूंगा। तो भाई जो पल्टन आ रखे थे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, और आज हम ऊन लेने आ रखे हैं। ये आज आ रखी देख लो, आज इसी दुकान से लिया करो ऊन। तो अभी तो ये स्कूटी इसकी है ही है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो पल्टन में आज काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊन लेने आए हैं भाई ऊन। सो गाइस अभी जस्ट मैं वहाँ से आ गया था इधर घंटा घर से, वो भी घर से लेकर मैं अभी घर ही जा रहा हूँ अभी। और भाई आजकल ना यहाँ 24 अक्टूबर को ITP का जन्म का वो होता है, दिवस होता है, जन्म दिवस होता है, मतलब जब ITP स्थापित हुई थी 24 अक्टूबर। तो लेकिन यहाँ 24 अक्टूबर को भाई प्रोग्राम होता है, यहाँ देखो कितना तगड़ा सज गया है, होना था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, वो होगा 10 तारीख को, तभी यहाँ हो रहा है सजावट। भाई इतनी भयंकर तैयारी हो रही है, पूरे कैंप में देख सकते हो तुमने, वो गिरदवा दिया है हर जगह, पेंट हो गया है। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा नया लग रहा है वो पूरा ग्राउंड। और भाई तुम्हें पता है पहले ग्राउंड में ऐसी वो थी, क्या बोलते ऐसी थी, देखो ऐसी जमीन थी, जमीन मतलब ऐसी सड़क थी, यहाँ देखो नई सड़क बना दी है, ये भी नई है। और अंदर देखोगे ना तुम, अंदर अभी अंदर जा नहीं सकते, कैंप में घूमने के लिए मना कर रखा है, बस अंदर बाहर जा सकते हैं, बाकी घूम नहीं सकते। सोचो भाई इतनी भयंकर रोड बना रखे ना भाई अंदर, वहाँ पर भाई बाइक चलाने के लिए, मतलब खैर परेड के लिए बना रखी है वैसे, तो परेड में ऐसी रोड तो चलेगी नहीं, तो उन्हें इतना साफ रखा, सोचो एक पत्थर नहीं है भाई उधर, जैसे ये नहीं है। अब तुम एक बात मान लो, इसके ऊपर ना तार पेंट चला के नई रोड बना के एक भी पत्थर ना हो, जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, एक पत्थर नहीं है भाई अंदर, भयंकर मस्त बना रखे। और भाई मैंने आज देखा पहली बार के बाद, देख तो लिया था मैंने एक बार बहुत पहले, लेकिन आज बता रहा हूँ, ITPP में भी होते हैं भाई पैरा कमांडो के, वो मैरून कैप पैरा कमांडो की रहती है ना, तो भाई सोचो ITPP में मैंने अभी मैरून कैप देखी भाई, उनने पहनी हुई, मज़ा आया भाई बहुत ज़्यादा। तो गाइस मम्मी आज घर पे, आज सैटरडे है, मम्मी की छुट्टी है, और यहाँ देखो भाई थोड़ा खाने के लिए लाया, और मम्मी ये देखो ये ऊन से मम्मी ने कुछ बनाना है, बता दूंगा क्या बनाएंगे। तो वहाँ देखो मेरे को कौन बुला रहा है, मेरा डुगड़ी डुगड़ी बम डुगड़ी बम डुगड़ी बम डुगड़ी बम डुगड़ी बम डुगड़ी बम डुगड़ी बम, चुप चुप बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप 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 हट। अभी हमने यहाँ पे कबाब खाया ना बैठ के, इसको कबाब भी दिया हमने, चिप्स भी दिए, वो देखो चिप्स दे रखा, बाद में हमने चिप्स का पैकेट ऐसे फेंका ना, तो उठाने गए भाई इसने हमें खा लिया था, ये ना मालिक को खाने वाला, और का मालिक को मारूंगा अभी सबको तेरा सच।
सो गाइस अभी जस्ट घर पे था और अभी साक्षी का फोन आया, मुझे बगल में रहती है सिस्टर अपनी, तो उसने ना असली चाबी तो घर वाला असली चाबी अपने पास ले गई और अब दीदी को घर आना था, उनकी बड़ी बहन को, अब उनकी बड़ी बहन दीदी बाहर पे खड़ी हो रही है और असली चाबी अपने साथ ले गई वो कॉलेज। अब यहाँ सीन हो गया, अब मेरे पास भी गाड़ी नहीं है तो नहीं तो मैं चले जाता चाबी लेने, ऋषि का भी ट्यूशन पढ़ा रही है उसकी दोस्त, तो भाई सीन हो गया। अभी मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ घर से इधर के लिए। सो गाइस अभी जस्ट मैं ये चाबी लेके आ रहा हूँ साक्षी को, भाई वहाँ यहाँ आना पड़ा, क्या बोलते हैं ग्राफिक के रास्ते, भाई उसे सीमा द्वारा आना पड़ा चाबी देने, क्योंकि भाई मेरे पास तो गाड़ी थी नहीं, वरना भाई मैं आपको चले ही जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो मेरा अभिनव दोस्त है वो भी आज किसी कोर्स में जा रखा सहस्त्र धारा साइड, और अब बच्ची ऋषि का ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो और कोई था नहीं भाई तब तक, वो बेचारी आ गई, क्योंकि दीदी को भी कब तक बाहर रहना पड़ता है बगल वाले के रूम पे। दीदी को मैंने बोला तब तक दीदी वहाँ बगल वाला मतलब अपने पड़ोसी के रूम पे बैठ रहे थे, मैंने चलो कोई बात नहीं। तो ये रही चाबी आ चुकी है, अब जल्दी जल्दी दीदी को देंगे, ठीक है, और दीदी घर पर जाके खाना पीना खा लेंगे और सो जाएंगे। तो गाइस तुम्हारा भाई सोच रहा था जिम जाने के लिए, तो बता रहा भाई तुम्हारा भाई जिम जाएगा या नहीं जाए, तुम बताना कि मैं जिम जाऊँ या ना जाऊँ, तब तुम्हारे उसे सोच के देखेंगे भाई कि कैसा है। तुम लोग बढ़िया सोच रहे कि नहीं, टट्टी करता अंदर, तो बताना भाई मैं जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि ये वाला टाइम मेरे पे फ्री रहता है तो बॉडी बनाते हैं। तो गाइस आज मैंने सदरी और भाई ब्लैक शर्ट पहना है, तो मैं पछावा यार पहले क्या दिखाने भी नहीं लगी, दिमाग खराब। तो गाइस यहाँ मैंने सदरी और ब्लैक शर्ट डाला है, तो बताना भाई कैसे लग रहा है, नीचे से पैंट पहनी है, अच्छी लग रहा है, उसके नीचे से वाइड जूते, तो बता देना भाई कैसा लग रहा हूँ। अब इसके ऊपर बस एक टोपी डालनी बाकी है, तब ठेठ पहाड़ी, तो चलते हैं बाहर साइड। अबे यार ये पैंट का कलर क्यों उतर गया मम्मी ऐसा, कोई नहीं चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें तो सब मोह माया से दूर है। कौन सी, मैंने फोल्ड करके रख दी। तो गाइस चले हैं हम अब मम्मी के लिए थोड़ा दवाई लाने, हम लोग सोच रहे हैं इतना तैयार होकर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी मैं ऐसे जाता हूँ, वैसे रोज ही तैयार हो रहा था, तुम भी सोचते हो कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं जाता यार, आदत ही ऐसे रहने की, अब क्या करें, ऐसे रहने की आदत ना जाने मुझे कब गरीब बना देगी। तो निकलते हैं भाई, फिर मिलते हैं आपको। गाइस अभी भी घर पे आ गए थे, घर पे बैठे हैं और यहाँ पे मम्मी दीदी और भैया बैठ रखे हैं। अभी शाम की 9:30 बज रही है, हम घूमने से आए, अभी के 1 कप टी बनाते हैं। आज मम्मी ने स्कूटी चलाना सीखा, मम्मी को अब स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं, आज पहला दिन है, आज एक हफ्ते में मम्मी अकेली, आज पहला दिन है, फिर अगले एक हफ्ते बाद दिखाऊंगा मैं क्या चेंजेस आएगी, जो आज है उस दिन भी हुई। ये दिखा दिया मैंने हाथ का यार, ये क्या ठीक नहीं हो रहा यार, और मैंने इनसे पूछा मैं जिम जाऊं कि नहीं जाऊं, दीदी जाऊं जिम, जिम जा शरीर बना कर कुछ, जिम जाओ। और ये देखो भैया की चोट लग गई आज, कोचिंग ट्यूशन भेज रहे मुझे मैथ का, मुझे चोट लग गई डुगड़ी की वजह से, चोट लगी है भाई, उंगली कट चुकी है। तो भाई ये देखो आज क्या दिख रहा है तुम्हें सामने, राइडिंग जैकेट जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना, तो मैं कुछ तैयारी कर रहा, मैंने बताया था मैंने अगर हो गया एक बार तो भाई मैं अपना ना क्या बोलते हैं भाई इसको, हुड के वो निकालते हैं जो कुछ मर्चेंडाइज, मैं सोच रहा हूँ भाई मर्चेंडाइज निकालने का, तो बताना मुझे कैसा, तुम्हें अभी पता नहीं होगा इसका, मैं अच्छे से एक ब्लॉग अलग से बनाऊंगा, बस इतना बता रहा हूँ मर्चेंडाइज निकालूंगा मैं, और जिसको सही है ना दिया आइडिया, तो सबसे पहले वो दीदी लेगी मर्चेंडाइज ना दी, वो दीदी लेगी ज्यादा नहीं 2000 ले लेगी, तो मैं 3000 का भी ले लूंगी। अरे भाई सबसे पहले मर्चेंडाइज भाई दो लोगों को फ्री मिलेंगे, मैं खुद दूंगा दो लोगों को फ्री, जो मेरे कट्टर सब्सक्राइबर होंगे, भले ही अभी मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन तभी भाई तुम्हारे लिए सब कुछ है, कोई बात नहीं। तो मर्चेंडाइज निकालने वाला हूँ मैं काशी ब्लॉगर के नाम से, नॉर्मल हुड होगा, तो देख लेना भाई जिसको पसंद आए जरूर। तो गाइस रात के बज रहे 11 और इसको लगी भूख और मम्मी बना रही मेरे लिए रोटी, मैं इसके लिए एक रोटी डाल देती हूँ, मेरे को भी नींद नहीं आ रही ना, मैं दिन में सोई थी आज, मम्मी को नींद नहीं आई थी, मम्मी को भी खुद भी शायद भूख लगी थी। ये है गबरी, ये है ब्लॉगर काशी ब्लॉगर भाई, अपना हुड मुझे दे देगा ना जब काशी वाला हुड बनाएगा, ज्यादा पैसा नहीं दूंगा भाई, कम में देगा,
तो ये वैसे ऐसे हम ये देख रहे हैं यहाँ पर आनी सा। मैम मुझे भी अभी पकोड़े खाने हैं मम्मी, मैं मच्छी लेके आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ केरला साइड वहाँ से। हाँ कभी चाय देख, रात के बज रहे हैं, टाइम दिखा देता हूँ। कैसे दिखा रहा? 11:02 और इन राक्षसों को लग रही है भूख। हो गया मम्मी है? और एक राक्षसनी यहाँ पे सो रखी और एक छोटा राक्षस इधर है। आ चुका है, हमारा रात को हो रखा है नाश्ता। सबको लगी भूख, नाश्ता भूख नहीं है नाश्ता, ये सुबह अपने अपने काम पे निकल जाना सब। ये सुबह हो रही है अभी। अब मैं कैसे देखूं खुद को? ऐसे मत कर, लगनी तेरे पर भूत रहा था। हाँ। नहीं डरना, नहीं डरना, नहीं डरना।